ताशु को ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ताशु को लगता है कि ये शायद उसके ही साथ हो रहा है। तो ताशु, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से साइकिल की सवारी, और ये है बच्चों का स्कूल जो कि एकदम वीरान पड़ा है। मम्मा, अब तो न्यू ईयर भी आने वाला है। आई होप स्कूल रीओपन हो जाए। मम्मा, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। ताशु को ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ताशु को लगता है कि ये शायद उसके ही साथ हो रहा है। तो ताशु, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, ओके। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना क्लासेस के बाद, तब ना पता नहीं मुझको क्यों नींद आ जाती है। मुझको नहीं लगता कि ये सबके साथ होता होगा, सबके साथ होता होगा। ताशु की प्रॉब्लम है, उसको नींद आ जाती है। सिर्फ उसको पढ़ने को बोलते हैं, उसको नींद आ जाती है ना। होता होगा ऐसा? पता नहीं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, कोई सॉल्यूशन, ये ठीक होना चाहिए ना प्रॉब्लम। कल भी ताशु पढ़ रही थी, उसको एकदम से नींद आ गई है ना। डेली ऐसा हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। और खेलने को अगर बोलते हैं तो फिर रात को भी नींद नहीं आती है? हाँ, नहीं आती। ऐसा होता है ना। रुको रुको, इसको रोको ना ऐसे। बाबा मत, उसको मूव करो। ओके, अच्छा प्रॉब्लम हो गई आपको ये है। चलो, अगर किसी के पास इसका सॉल्यूशन है तो वो हमको बता देगा ना। चलो, और ये जोशी जी आ गए हमारे हेयर कटिंग करके, जा नहीं रहे थे। बोल रहे कि नहीं तुम ही कटिंग करोगी। इनको मेरे हाथों से हेयर कटिंग कराने की ना लत हो गई थी, ये जा ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने जबरदस्ती इनको भेजा। एक्चुअली अभी ना लकीली जो है बाबा शॉप ओपन था। अप्रैल तो आपने पूरे कर दिए थे ना, क्योंकि तब मुझे कटिंग करना आता है। तो फिर जून से मैंने धीरे धीरे कटिंग करना स्टार्ट किया, कटिंग किया, और अब तो मैं एकदम परफेक्ट हो गई थी एकदम। मुझे लगता है ऐसा। तो मिलते हैं आपसे घर में। मुश्किल में होती हूँ, अम्मी मेरी रोती है, खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है, एक एक आंसू में दुआएं पिरोती है, कोई बताए क्या है, अम्मी ऐसी होती है। थोड़ी सी सयानी है, थोड़ी सी इमोशनल, अम्मी जो हंस दे तो टल जाए हर मुश्किल, जैसे किस्मत की चाबी है वो जो खोले हर ताला, मैंने अपने सपनों का हर बक्सा उनको दे डाला। शेरनिया, और ये नहा धोकर रेडी है मेरी शेरनिया। और ये शेरनी 10 बजे उठी है। हम वॉक करके भी आ गए हैं। हाँ, साइकिलिंग करना है ताशी। बढ़िया ही शेरनी, ऐसे तो शेरनिया 10 बजे उठने वाली। हाँ। क्या खाना है? पोहा। ओके, फरमाइश पे, तो आपकी फरमाइश पे थोड़ी देर में पेश किया जाएगा पोहा। काम ही क्या है मेरा, और है ना। सर, खाना ही बनाना है। अच्छा लगता है। और ताशी को ना बहुत मन था जो है चूहिया जैसे। कौन सी कटिंग होती है? साधना कट, साधना कट हेयर स्टाइल का। बट इनके स्कूल में ना अलाउ नहीं था जब लॉकडाउन हुआ। कुछ हुआ भी नहीं ना, तो उसने बोला कि ना मेरी मम्मी हेयर कटिंग कर दो। ये वाली कटिंग ना इसको बड़े पसंद थी, बच्चों में अच्छी भी लगती है। अब इसके यहाँ पहुँच गए ये। एक वो होता है ना हॉर्स, क्या होता है वो हॉर्स, हम पोनी, पोनी नहीं, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न।
उसके होते हैं ऐसे पोनी, हम इसे अक्सर पोनी बुलाते हैं। ये हमारे घर का छोटा सा पोनी। अब मैं कटिंग नहीं करूंगी, मैं सीधे ऊपर करूंगी हेयर, क्योंकि अब स्कूल खुल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हेयर बैंड लगा दूंगी। अब मैं आपके लिए पोहा। और यम्मी यम्मी पोहा रेडी हो गया। और आप मम्मा स्क्वीज करेंगी लेमन पोहा में। तो आपको चाहिए लेमन? हाँ। बस हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग जा रहे हैं दूध लेने, और आज हम लोग जा रहे हैं बिकॉज अब से हमारी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो हमारे पापा भी चल रहे हैं, दूध तो लेना ही है, और बाकी ब्रेड पतंजलि फुल क्रीम। चार पैकेट या कितने पैकेट? दो तीन, कितने? चार लेने का? हाँ चार ले लेते हैं। और पापा ब्रेड ब्रेड लेना था। अंकल चिप्स है? ओके। और कैसी है? ओके, तो हम लोग चिप्स लेके आ चुके हैं। हमने स्टारबक्स से शॉपिंग करी थी, इतनी ये की थी हमने शॉपिंग, और ना हमने कद्दू खरीदा था, और बड़ी उम्मीद से खरीदा था। कद्दू ना सबको बहुत पसंद है। क्या होगा इस कद्दू से हमारे परिवार के लिए? हैं ये बहुत छोटा सा है, पता है इतना छोटा सा कद्दू ना, लग रहा इसको मैं रख दूं कहीं पर, है नी, ये घर में रखा हुआ ज्यादा सुंदर लगेगा पेट में जाने के बजाय। ये स्टार फ्रेश पम्पकिन डिस्को, डिस्को स्मॉल डिस्को ये इसका नेम है। कुछ नहीं हुआ है तो पता, सो खाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो प्यार लग रहा है। ये फॉर्चून फॉर्चून राइस कितने का पड़ा हमको? ये कितने का पड़ा? ये एमआरपी है 130, और हमें कितने का पड़ा है? 65। ये हमें पड़ा 65 का। और ये लिया है हमने, ये थोड़ी हरी सब्जियां ली हैं, ये चलाई है, मिंट वगैरह काफी अच्छा रहता है अभी, मिंट ये मिंट है। कितना ये? 30 अनियन 30 रुपये के जी काफी। ये कड़ी लीव भी अच्छी आई है, फ्रेश टमाटो है, मशरूम। ये तिल मंगाया मैंने, तिल हम लोगों को जरूर खाना चाहिए, तिल महिलाओं को, कैल्शियम की कमी हो जाती है ना बॉडी में, तो मैंने भी पहले कभी मतलब इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से मुझे बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं ये ना मैंने ये मंगाया भी है, ये तिल है। मैं एक पाउडर बनाते हैं हम पीस करके, उसमें मखाना होता है, तिल होता है, और बादाम, और एक चीज़ और होती है, क्या होती है वो? अलसी। हाँ अलसी, चिया सीड्स, उसका हम पाउडर बनाते हैं, ड्राई पाउडर विदाउट घी, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ड्राई रोस्ट करके उसे खाने की आदत बनाई है। आज मैं और पापा लंच रेडी करने वाले हैं, और हम लंच रेडी करने वाले हैं चूल्हे में, और पता है हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं प्रॉपर पहाड़ी उत्तराखंडी लंच, जो उत्तराखंड के ज्यादा और उत्तराखंड के विलेज एरिया में अधिकतर लंच भी बनाया जाता है। और जब भी हम चूल्हे में खाना बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कैंपिंग कर रहे हैं, और मुझे बहुत मजा आता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कि पहाड़ी स्टाइल में लंच कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैं उत्तराखंड के कुमाऊं से हूँ, तो मैं कुमाऊनी स्टाइल में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है, और ये है पालक, मेथी और चौलाई, इन तीनों को कट करके धो करके, और इसको छौंका लगा दिया है। और इस पर एक चीज़ है कि हम ज़्यादा नहीं गलाते हैं, जैसे कई जगह यूपी में इसको उबाल करके देन पीस करके इसका साग बना जाता है, बट हमारे यहाँ उबाल के पीसते नहीं है, इसको सीधे कट करके छौंका मार दिया जाता है, और ये बहुत टेस्टी बनता है। ज़्यादा नहीं पकाते हैं, एकदम नहीं गलाते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है गला हुआ, तो इसको अधकचा सा ही निकाल दिया है, और काफ़ी अच्छी बनी है, देख सकते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे पलियो, क्योंकि झोली भी कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं कड़ी, तो हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पलियो। और पलियो में हम लगाएंगे मेथी का तड़का, जो कि बहुत टेस्टी होता है, बट इसमें क्या है कि मेथी को आपको भूनने की पहचान होनी चाहिए, और बहुत हल्की आंच में मेथी को भूनेंगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है मुंह में मेथी। हमारे यहाँ जो पलियो होता है, झोली होती है, उसमें कड़ी पत्ता नहीं डाला जाता है। और भी कई तरीके से बनती है,
मैं जिस तरह से बनाती हूँ या मैंने जिस तरह से बना है मेरे मायके में या मेरे ससुराल में, हम उस तरह से ही यहाँ पर उसको बना रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे बनता है पहाड़ी फूड। और यहाँ पर है ये दही, इसमें हमने बेसन और मूली जो होती है उसको पीसेज में, हमारी मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो थेच लिया है, और वैसे कहूँ तो जैसे हम अदरक कूटते हैं उस तरह से कूट लेते हैं हम मूली को। तो इससे ना मूली बहुत जल्दी पकती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कई लोग मूली को पहले भी भून लेते हैं, बट हमने इसको भूना नहीं है, सीधे दही में ही ऐड करके इसको हमने पकाया है, जो बहुत अच्छे से पक गया था की बनी थी। और ये झोली एकदम बनके रेडी हो गई है। और ये है हमारी आज लंच की थाली, जिसमें है चावल, भात, हरी सब्जी, टपकिया और है हमारा पलाव। बहुत खूबसूरत थाली थी। और यहाँ पर ले लिया है हमने अचार, और ये है हमारा घर का बना हुआ घी। तो टोटल फूड हमारा घर का बना हुआ है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।